नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम सी हेल्थ में। मैं हूं आपके साथ मानसी जैन और स्वागत करती हूं हमारे इस खास कार्यक्रम में। जैसा कि दर्शकों आप सभी जानते हैं, हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताते हैं रोजमर्रा की लाइफ में पेश होने वाली इन तमाम बीमारियों के बारे में कि आप कैसे बच सकते हैं उन बीमारियों से। इसी के साथ आज हम बात करेंगे ओरल कैंसर के बारे में कि आज वो भारत में ही नहीं हमारे आगरा शहर में भी बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। और इसी चर्चा को खास बनाने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं डॉक्टर हेमंत गोयल, जो कि हैं कैंसर सर्जन। सबसे पहले हम डॉक्टर साहब आपका स्वागत करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर मैं आपसे जानना चाहूँगी सबसे पहले क्वेश्चन कि आखिर ये इसका आंकड़ा इतना ज़्यादा क्यों बढ़ता जा रहा है ओरल कैंसर का? हमारा जो क्षेत्र है, जो आगरा का रीजन है और साथ में मैनपुरी के इलाके में दुनिया में सबसे ज़्यादा ओरल कैंसर पाया जाता है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार मैनपुरी क्षेत्र में दुनिया में सबसे ज़्यादा ओरल कैंसर पाया जाता है। और चूंकि तंबाकू और गुटखा पान इन सब का प्रचलन बढ़ रहा है, इसलिए ओरल कैंसर का प्रचलन भी हम लोग ज़्यादा देखने में आ रहा है। डॉक्टर, अगर मैं बात करूँ ओरल कैंसर की, तो ओरल कैंसर की आखिर शुरुआत कहाँ से होती है, इसके लक्षण क्या होते हैं? जनरली जो लोग बहुत समय से तंबाकू या मसाला खाते हैं, उनके मुंह के अंदर कोई छाला या घाव हो जाता है। यदि ये छाला या घाव एक महीने तक ठीक नहीं हो अपने आप, तो ये ओरल कैंसर का लक्षण हो सकता है। उसके अलावा अन्य लक्षण भी होते हैं, जैसे मुंह के अंदर सफ़ेदी आना, मुंह का कम खुलना, गले के अंदर कोई गांठ हो जाना, या फिर मुँह के अंदर लाल लाल धब्बे पड़ना। जैसे कि डॉक्टर कहा जाता है कि कैंसर के बहुत सारे प्रकार होते हैं, तो क्या ओरल कैंसर के भी प्रकार होते हैं? हम लोग जो देखते हैं 100 में से 99% टाइम ओरल कैंसर हमारे यहाँ स्क्वामस सेल कार्सिनोमा कहते हैं, उस किस्म का कैंसर होता है और यही कैंसर ज़्यादातर हमारे यहाँ देखा जाता है। जैसे डॉक्टर आपने बताया कि गुटखा तंबाकू खाने की वजह से हमारे मतलब मैनपुरी और हमारे आगरा क्षेत्र में ज़्यादा पाया जाता है, बट अगर मैं बात करूँ उनकी, जो लोग बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, सेवन नहीं करते हैं, उनमें भी चांसेस देखी जाती है कैंसर की, वो क्या कारण? कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिनको ओरल कैंसर हो जाता है, उन्होंने जिंदगी में कभी गुटखे को हाथ भी नहीं लगाया होता। जी, ऐसे लोगों में सबसे ज़्यादा कारण होता है कोई उनका पैना या नुकीला दांत, जो कि कहीं पर लगातार लंबे समय तक घाव कर रहा हो, या वो डेंचर पहनते हो जो ठीक से फिट नहीं होते हो और घाव बनाते हो, ऐसे लंबे समय तक रहने वाले घाव के अंदर भी कैंसर की उत्पत्ति हो जाती है। जी, अगर डॉक्टर हम बात करें कैंसर ओरल कैंसर की, हम डायग्नोसिस की, तो अब उसका आप टेस्ट कैसे करते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है ओरल कैंसर की जांच में उसका एक बायोप्सी लेना। बायोप्सी होती है कि ओरल कैंसर के उस घाव के किनारे से एक छोटा सा पीस ले लिया जाता है, जिसको माइक्रोस्कोप में देख कर कैंसर का पता लगाया जा सकता है। जी, बट लोग इसमें डरते हैं कि नहीं, अगर इससे छेड़छाड़ की गई तो वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, लोगों के अंदर भ्रांतियाँ रहती हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली हमारे समाज में लोग ये मानते हैं कि कैंसर से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, छेड़छाड़ करने से कैंसर और तेज़ी से फैलता है। जी, ये बात वैज्ञानिक तरीके पर बिल्कुल गलत है। इसका कोई भी वजूद या बेसिस नहीं है। जी, और इस बात को हमें बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। इस तरह के भ्रांति की वजह से लोगों का कैंसर के इलाज में देरी हो जाती है, वो जांच नहीं करवाते और बीमारी और आगे बढ़ जाती है और कभी कभी लाइलाज भी हो जाती है इस डर की वजह से। बिल्कुल डॉक्टर, अगर हम बात करें इसकी कैंसर के इलाज की, तो किस तरीके से इसका इलाज किया जाता है कैंसर का? मुख्य तौर पर ओरल कैंसर का इलाज सर्जरी है। जी, यानी ऑपरेशन 100 में से 90 से 95% ओरल कैंसर के लिए ऑपरेशन ही एकमात्र इलाज है। जी जी, कुछ बहुत छोटे ओरल कैंसर में कभी कभी रेडियोथेरेपी दी जा सकती है, लेकिन अधिकतर मामलों में बिना ऑपरेशन के ये कैंसर ठीक नहीं किया जा सकता। जी डॉक्टर, अगर हम बात करें कैंसर की, तो देखा जाता है कि कैंसर जो मुंह का कैंसर होता है वो पुरुषों में ज़्यादा पाया जाता है, महिलाओं में कम, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि ऐसा क्यों? ऐसा विशेष तौर पर बहुत ज़्यादा नहीं है, ज़्यादातर पुरुष
कैंसर जो पैदा करते हैं तंबाकू, गुटखा, मसाला का सेवन पुरुष ज़्यादा करते हैं इसलिए होता है, लेकिन महिलाओं में भी ये पाया जाता है। यदि वो उनके अंदर ये रिस्क फैक्टर्स हैं कि वो लोग तंबाकू खाते हैं, सुपारी, मसाला खाते हैं, तो महिलाओं में ही पाया जाता है, लेकिन पुरुष ज़्यादा खाते हैं इसलिए उनमें ज़्यादा देखा जाता है। जी, अगर हम बात करें डॉक्टर कैंसर की, तो ये मुँह का जो कैंसर होता है क्या वो भी जेनेटिक होता है क्या? मुंह का कैंसर बिल्कुल भी जेनेटिक या अनुवांशिक नहीं होता, ये सिर्फ आपके रिस्क फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, इसमें कोई भी जेनेटिक कंपोनेंट नहीं होता है। जी, कहा जाता है डॉक्टर कि कैंसर जो है कि बोलते हैं कि अगर मुंह में छाले होते हैं और दवाई खाते हैं फिर ठीक हो जाते हैं, फिर दोबारा होता है, तो क्या ये भी एक लक्षण है, उसकी संभावना रहती है इंसान को? ये जो छाले आमतौर पर होते हैं जो हो जाते हैं, फिर आप कोई दवा लेते हैं 4-5 दिन में ठीक हो जाते हैं, जिनमें बहुत अधिक पीड़ा होती है, ये आमतौर पर कैंसर के छाले नहीं होते और ना ये कैंसर का लक्षण होता है। कैंसर का छाला एक इस किस्म का छाला होता है जो लगातार 1 महीने तक बना रहता है उसी जगह पर, और शुरुआत में उसमें अधिक दर्द नहीं होता, कभी कभी बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। इस तरह के छाले ज़्यादा कैंसर के लक्षण होते हैं। जी डॉक्टर, अगर हम बात करें सर्जरी की, तो आज भी लोगों में ये भ्रांतियाँ होती हैं कि नहीं, हम सर्जरी नहीं कराएंगे, उनको डर रहता है कि मतलब दर्द, मतलब प्रॉब्लम होगी, वो बिगड़ जाएगा और भी ज़्यादा, सर्जरी से बहुत डरते हैं लोग यहाँ पर। ये बहुत ही सामान्य सी बात है, लोग सर्जरी से डरते हैं, कैंसर की सर्जरी अपने आप में एक बड़ी सर्जरी होती है, उससे डरते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से की गई सर्जरी ही इस कैंसर से मुक्ति दिला सकती है। जी, हम अपने आसपास देखें, जितने भी कैंसर के मरीजों को हम जानते हैं जो कि ठीक हैं, उन सब ने कभी ना कभी सर्जरी करवाई होती है। बिना सर्जरी के कैंसर का इलाज नहीं हो सकता मुंह के कैंसर का, और जितनी जल्दी सर्जरी होगी, उतनी छोटी सर्जरी होगी, उतनी कम तकलीफ होगी और जल्दी ठीक होने की संभावना बनेगी। जी डॉक्टर, अगर हम बात करें मुंह के कैंसर की, तो आपके पास जो मरीज जो होते हैं वो आपके पास कब आते हैं, आखिर कौन से स्टेज पर पहुंच जाते हैं कि तब आपके पास आते हैं कि डॉक्टर हमें ये प्रॉब्लम है? ये हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि ओरल कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो बहुत जल्दी डिटेक्ट हो जाती है। आपके मुँह में जरा सा भी छाला होता है आपको पता चल जाता है, लेकिन समाज में फैली विभिन्न विभिन्न भ्रांतियों की वजह से लोग कभी किधर जाते हैं, कभी सही जगह नहीं जाते, उस चक्कर में ऑपरेशन से भागते रहते हैं। ज़्यादातर कैंसर हमारे यहाँ पर तीसरी और चौथी अवस्था में प्रेजेंट करते हैं, जिस स्थिति में उनका इलाज बहुत ही मुश्किल होता है, और जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ये ईजीली डिटेक्टेबल कैंसर है और हम इसको अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से भड़ा के डॉक्टर के पास पहुँचते हैं। जी, अगर हम डॉक्टर्स के इलाज की हम टाइम पीरियड की बात करें कि आखिर इसमें कितना समय लगता है एक कैंसर के मतलब मरीज को ठीक होने में? एक कैंसर का मरीज यदि ऑपरेशन करवाता है ओरल कैंसर का, तो अस्पताल से 5 से 7 दिन में उसकी छुट्टी हो जाती है, अगले 10 से 12 दिन के बाद वो पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है और 1 महीने के अंदर अपने काम पर वापस लौट सकता है। जी दर्शकों, आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं डॉक्टर हेमंत गोयल, जो कि हैं कैंसर सर्जन, जिनसे आज हम बात कर रहे हैं कि आखिर मुंह में कैंसर इतना ज़्यादा क्यों बढ़ता जा रहा है, इतनी इसमें परेशानियां क्यों हो रही हैं, और लोग अपने आप जो इलाज कर लेते हैं और लोगों को सर्जरी से डर लगता है, इन्हीं सब चर्चाओं पर हम आज बात कर रहे हैं। डॉक्टर, आप पहले एम्स में काम कर चुके हैं, आपको 12 साल हो चुके हैं वहाँ काम करते हुए, तो अब आप आगरा में कर रहे हैं, तो आपको वहाँ की सुविधाएँ और यहाँ की सुविधाओं में मतलब क्या फ़र्क लगा? यदि हम कैंसर के मरीज़ देखें तो मरीज़ दोनों जगह एक जैसे हैं। यदि हम कैंसर के इलाज के बारे में सोचें तो जो इलाज एम्स में हम करते थे कैंसर के मरीजों का, वही इलाज आगरा में मुंह के कैंसर को के मरीज़ों को पूर्णतः वही इलाज की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, वही इलाज मिलता है। तो मेरे हिसाब से मुंह के कैंसर के मरीज़ों का इलाज एम्स में हम करते थे या अब आगरा में करते हैं, उसमें कोई भी फ़र्क नहीं है। बट डॉक्टर, लोगों के अंदर ये भ्रांतियाँ होती हैं कि नहीं, कैंसर का अगर किसी को कैंसर हो गया तो वो लाइलाज है, वो सही नहीं होगा और वो यहाँ पर नहीं हो सकता, उसके लिए आपको बहुत दूर मतलब बाहर जाना होगा, मुंबई या दिल्ली जाना होगा, तो क्या ऐसी फैसिलिटीज आ चुकी है हमारे आगरा में कि वो इलाज यहीं पर भी हो सकता है उसका? मुँह के कैंसर से संबंधित कोई भी ऐसी फैसिलिटी नहीं है जो दिल्ली बम्बई में मौजूद हो और आगरा में नहीं हो। मुंह के कैंसर का पूर्णतः सभी तरह का इलाज, चाहे वो सर्जरी का हो, रेडियोथेरेपी का हो या कीमोथेरेपी का हो, पूरी तरीके से आगरा में ही हो सकता है और मुंह के कैंसर के किसी भी मरीज को इलाज के लिए आगरा से बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी दर्शकों, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर हेमंत गोयल, जिनसे आज हम बात कर रहे हैं कैंसर के बारे में। फिलहाल एक वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, या रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद हम आगे भी बात करेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम सी हेल्थ में। दर्शकों, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर हेमंत गोयल, जो कि हैं कैंसर सर्जन, जिससे आज हम बात कर रहे हैं कि मुंह का कैंसर के बारे में, कि आखिर ओरल कैंसर क्या होता है और ये क्यों इतना ज़्यादा हमारे भारत में, हमारे आगरा में क्यों इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ब्रेक के उस पर जाने से पहले हमने बात की थी कि आखिर क्या लक्षण होते हैं, क्या कारण होते हैं। अब हम डॉक्टर से जानेंगे कि इसके हम सर्जरी के बाद हमें क्या क्या उपाय अपनाने चाहिए। डॉक्टर, हम जानना चाहेंगे कि लोगों के अंदर ये भ्रांति रहती है कि अब हम सर्जरी कराएंगे तो उसके बाद क्या होती है कि हमारा मुंह टेढ़ा हो जाएगा, हम बोल नहीं पाएंगे, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, मुंह के कैंसर की सर्जरी से आदमी डरता है, वो सोचता है कि एक बार ऑपरेशन करवाया तो मुंह टेढ़ा हो जाएगा, मैं समाज में कैसे जाऊँगा। ये बात बिल्कुल गलत है। आजकल प्लास्टिक सर्जरी की इतनी अच्छी सुविधाएं हैं कि मुंह में बहुत कम फर्क आता है जो पहले और बाद की अपेक्षा, तो इसलिए मुंह टेढ़ा होने वाली स्थिति आजकल बहुत कम आती है। और वो पहले के ज़माने में ऐसा ज़्यादा होता था, आजकल बहुत कम फर्क आता है मुंह पे प्रॉपर प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा, और ये सारी प्लास्टिक सर्जरी भी आगरा में हो जाती है। जी। दूसरा, लोगों को संदेह रहता है कि मुंह का कैंसर है, एक बार ऑपरेशन हो गया तो मैं खाऊंगा पीऊंगा कैसे, बोलूंगा करूंगा कैसे। जी जी। तो इस बारे में, ऑपरेशन के बाद 10 से 15 तक दिन तक तो नाक की नली के द्वारा खाना जाता है लिक्विड फॉर्म में, लेकिन एक बार घाव बनने के बाद व्यक्ति आमतौर पर सब कुछ अपने मुँह से पहले की तरह खा सकता है। ज्यादातर मुँह के कैंसर के इलाज में व्यक्ति को आवाज में कोई बदलाव नहीं आता और वो जो काम पहले करता था बोलने वाला, वो काम बाद में भी कर सकता है। जी डॉक्टर, अगर हम बात करें कैंसर की सर्जरी की, तो सर्जरी के बाद एक मरीज को मतलब क्या क्या करना चाहिए, प्रिकॉशन क्या क्या अपनाने चाहिए कि ताकि उसको वो दोबारा ना हो कैंसर? देखिए, कैंसर का मुख्य कारण है तंबाकू और मसाला, तो सबसे पहले तो व्यक्ति को तंबाकू, मसाले और शराब से परहेज रखना चाहिए ऑपरेशन के बाद भी। उसके बाद दूसरा आता है कि मुंह का कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो कभी कभी दोबारा भी हो सकती है। जी। तो इस स्थिति से बचने के लिए या ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो उसका जल्दी इलाज करने के लिए समय समय पर डॉक्टर को दिखाते रहना चाहिए जहां आपने इलाज करवाया है। आमतौर पर हर 1 से 2 महीने में डॉक्टर आपको चेकअप के लिए बुलाते हैं, उसमें आप अवश्य जाएँ, अपना चेकअप करवाएँ, और बीमारी का अगर दोबारा लौटने का पता चलता है तो उसका तुरंत जल्दी से जल्दी इलाज करवाएं। जी डॉक्टर, अगर हम बात करें कैंसर के इलाज की, लोग सर्जरी कराने के बाद आपके पास आते हैं, मतलब ये पूछना चाहूंगी कि कितने मतलब लोग दोबारा फिर से आते हैं अपनी, जैसे आपने बोला कि फिर से आपको डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए, तो वो लोग अपनी दवाइयों को स्किप कर देते हैं, क्या ऐसा देखा जाता है? आमतौर पर देखा गया है, एक तो मुंह के कैंसर में कोई दवा आगे लंबे समय तक नहीं चलती। जी। एक बार ऑपरेशन हो गया तो आपको उसके बाद आगे इलाज की नॉर्मल जरूरत नहीं पड़ती। अगर सिकाई या रेडियोथेरेपी के लिए एडवाइस किया गया है तो 1.5 महीने के अंदर सिकाई खत्म हो जाती है, उसके बाद फिर लाइफ लॉन्ग कोई दवा नहीं चलती, आपको सिर्फ डॉक्टर पर चेकअप करवाना चाहिए। लेकिन आमतौर पर देखा गया है 100 में से मात्र 30 से 35% मरीज ही रेगुलर चेकअप के लिए आते हैं। बाकी मरीजों का ये होता है, या तो वो ठीक हो जाते हैं तो कभी चेकअप के लिए नहीं आते, या कभी बीमारी लौट के आती है तब वो डॉक्टर के पास आते हैं, और इस स्थिति में तब तक काफ़ी देर हो जाती है। जी जी। क्योंकि एक डॉक्टर जब वो खुद आपका रेगुलर चेकअप करता है तो वो बीमारी को जल्दी पकड़ सकता है, आपको जब तक उसके लक्षण महसूस होंगे और आप डॉक्टर के पास पहुंचोगे तब तक उस बात में 4 से 6 महीने का डिले हो जाता है और बीमारी काफ़ी बढ़ जाती है। जी जी डॉक्टर, अगर मैं इसी के साथ जानूँ डॉक्टर की मरीज का खान पीन कैसा होना चाहिए, उसकी डाइट के बारे में अगर हम बात करें तो उसकी डाइट किस तरह की होनी चाहिए? इसके बाद ऑपरेशन के बाद ओरल कैंसर के मरीज को डाइट में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता। आमतौर पर सामान्य आदमी को जो अच्छा पौष्टिक खाना खाना चाहिए वही ओरल कैंसर के मरीज को खाना चाहिए। तंबाकू और शराब का प्रतिबंध जो है वो मैं बता ही चुका हूँ। बाकी खाने में इसके अलावा कोई विशेष परहेज नहीं होता और कोई प्रतिबंध नहीं है, सभी तरह का खाना वो व्यक्ति खा सकता है। जी जी। दर्शकों, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर हेमंत गोयल, जो कि हैं कैंसर सर्जन, जिनसे हम आज बात कर रहे हैं कि ओरल कैंसर क्या होता है, किन कारणों से होता है, क्या वजह है इसके होने की। अगर हम बात करें डॉक्टर सर्जरी की, सर्जरी के बाद बहुत से लोगों को बहुत सी परेशानियां होती हैं, तो वो किस किस तरीके की उनको परेशानियाँ होती हैं उसके बारे में जानना चाहूँगी। ओरल कैंसर की सर्जरी के बाद एक बार जब सर्जरी से आदमी ठीक हो जाता है, इसको आप मान के चलें 1 महीने से 1.5 महीने का समय, तो परेशानियां बहुत ज़्यादा नहीं होती। कुछ लोगों को कंधे में दर्द हो सकता है, कुछ लोगों को चबा के खाने में दिक्कत हो सकती है,
खासतौर पर उन लोगों पर जिनके जबड़े का एक हिस्सा निकला हुआ है और उसको दोबारा हड्डी लगा के नहीं बनाया गया है। इस तरह से कुछ लोगों को सिकाई के बाद मुंह के अंदर सूखापन की शिकायत हो सकती है कि थूक नहीं बनता है या लार नहीं बनती है तो खाना खाने में दिक्कत होती है। इन सभी समस्याओं का आसानी से निवारण हो सकता है और ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जो कि पूरे लाइफ लॉन्ग या हमेशा उनके पूरे जीवन पर्यंत रहे। जी डॉक्टर, अगर बात करें हम इसकी कैंसर की, जब सर्जरी हो जाती है मरीज की, तो क्या वो फिर से अपना दोबारा वो कार्य शुरू कर सकता है नॉर्मल तरीके से? ये एक बहुत ही ज्वलंत प्रश्न है, क्योंकि हमारे समाज में या हमारे इस प्रदेश में ओरल कैंसर जनरली यंग आदमियों को होता है, जो 30 से 50 साल के बीच में होते हैं, जो अपनी फैमिली की आमदनी का एकमात्र जरिया होते हैं। जी। सबसे अच्छी बात ये है कि एक बार इलाज होने के बाद महीने डेढ़ महीने के अंदर वह व्यक्ति अपने काम पर लौट सकता है। यदि वो वजन का या मेहनत का काम करता है तो भी वो उस काम को अच्छे से कर सकता है बिना किसी कमजोरी या थकावट के। ओरल कैंसर का इलाज या ऑपरेशन जो भी होता है, वो तकरीबन सारा ऑपरेशन आपकी गर्दन के ऊपर से होता है और आपके बाकी शरीर में, हाथ पैरों में, बाकी शरीर के अंदर किसी भी तरह की कोई कमजोरी या कांट फाट नहीं होती है, तो आप अपना हर किस्म का काम, चाहे वो मेहनत मजदूरी का काम ही क्यों ना हो, आसानी से कर सकते हैं। जी डॉक्टर, हम बात करें कैंसर की, तो कैंसर बहुत प्रकार के होते हैं, तो मैं जानना चाहूंगी कि हर कैंसर का इलाज संभव है? ये मान के चलते हैं कि 100 में से 70% कैंसर का इलाज संभव है, वो ठीक हो सकते हैं अगर पहली और दूसरी और तीसरी अवस्था तक भी पता चल जाए। कुछ कैंसर्स होते हैं जो ज़्यादा खतरनाक होते हैं, उनका इलाज कम सक्सेसफुल होता है, लेकिन ओरल कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसके दो फायदे हैं। एक तो ये कि ये इजीली प्रिवेंटेबल है, 90% लोग तंबाकू का सेवन ना करें तो ओरल कैंसर कभी होगा ही नहीं। जी। दूसरा इसमें खास बात है कि ये इजीली डिटेक्टेबल है, आप इसको बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं। शुरुआत में कोई छाला या लक्षण होने पर आप डॉक्टर को कंसल्ट करें तो बहुत आसानी से पकड़ा जा सकता है। तीसरी इसकी खास बात है कि इसका इलाज संभव है, जो कि बहुत आसानी से ऑपरेशन के द्वारा हो जाता है, जो कि बहुत अधिक खर्चीला भी नहीं है। जी। और चौथा इसकी खास बात है कि इसके इलाज के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। ऑपरेशन के द्वारा यदि दूसरी तीसरी अवस्था तक भी ऑपरेशन होता है तो 80% तक लोग ठीक हो जाते हैं और अपनी पूरी जिंदगी नॉर्मल तरीके से जी सकते हैं। जी डॉक्टर, अगर मैं बात करूँ कैंसर में फैमिली की, तो अगर फैमिली मतलब उनके साथ में रहती है सपोर्ट में, तो क्या अगर वो उनके परामर्श में रहेंगे, क्या उनको भी ये कैंसर हो सकता है? क्या ये कैंसर फैलता है? ये कैंसर, ओरल कैंसर फैलता नहीं है। परिवार के अन्य सदस्यों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने का कोई डर नहीं है। व्यक्ति अपने बर्तन वगैरह शेयर कर सकते हैं, बच्चों को बड़ों से कोई खतरा नहीं होता कि उनके अंदर ओरल कैंसर आ जाएगा, तो परिवार में उस व्यक्ति के संग अलग व्यवहार करने का बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। ओरल कैंसर इस तरीके से नहीं फैलता है। जी अगर डॉक्टर मैं बात करूं बाहर की, अगर कोई कैंसर का मरीज है वो ठीक हो गया है और वो बाहर, अगर बाहर के एटमॉस्फेयर में अगर जा रहा है, तो क्या उसको वहाँ पे जो बाहर की जो एटमॉस्फेयर होता है, उसकी जो बाहर की हवा होती है, क्या वो उससे उसको इन्फेक्शन होने का डर रहता है? नहीं, ओरल कैंसर के मरीज जिनको कीमोथेरेपी नहीं मिलती, उनको बाहर के वातावरण से किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। वो एक नॉर्मल आदमी की तरह हर किस्म के वातावरण में जा सकते हैं, चाहे उसमें धूल हो, धुआं हो, या अपने शहर का वातावरण हम सबको पता है, उस वातावरण से ओरल कैंसर के मरीजों को विशेष तौर पर कोई अलग खतरा नहीं है। जी डॉक्टर, अगर हम बात करें कैंसर के दौरान, क्या अगर किसी मरीज को कैंसर है तो उसके साथ में क्या उसको कोई अन्य बीमारियां भी हो सकती हैं, उसका खतरा बढ़ जाता है और भी मतलब बीमारी होने का? कैंसर के दौरान व्यक्ति को कोई और बीमारी, जैसे ओरल कैंसर का अगर हम उदाहरण लें, तो उस व्यक्ति को यदि वो खान पान ठीक से नहीं रखेगा तो कमजोरी हो सकती है, उस कमजोरी के चलते शरीर में थकावट और ये सब रह सकती है। यदि उसको कीमोथेरेपी मिल रही है तो कीमोथेरेपी से शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, तो शरीर को बार बार दस्त, डायरिया या छाती में इन्फेक्शन, इस टाइप के बीमारी हो सकती हैं। लेकिन ओरल कैंसर मरीज जिनका सर्जरी या रेडियोथेरेपी से इलाज चल रहा है, उनको किसी और बीमारी का कोई और खतरा नहीं होता है। जी डॉक्टर, अगर हम बात करें अगर कैंसर का जो मरीज होता है उसको जो सर्जरी की जाती है, उसके बाद क्या मतलब कैंसर के मरीज को क्या थकान होती है या उसके शरीर में क्या क्या कमजोरियां देखी जाती हैं?
कैंसर के मरीज में ओरल कैंसर की सर्जरी के बाद जब वो ठीक हो गया है महीने 15 दिन में, तो उसके बाद उसको किसी किस्म की कोई कमजोरी या थकान या किसी तरह की कोई कमी नहीं आती है। जी, एक कैंसर सर्जर होने के साथ आप मरीजों को क्या सुझाव देना चाहेंगे? मेरा मरीजों को मेन सुझाव ये रहता है कि आप तो कैंसर से ग्रसित हो गए हैं जी, आपने संयम नहीं बरता, पान तंबाकू का सेवन किया, लेकिन असली काम आप तब कर सकते हैं आप अगले 10 लोगों का पान तंबाकू ये छुड़वाएं, ताकि आप इस बीमारी की विविधता समझते हैं कि कितना खतरनाक बीमारी है, तो आपसे प्रेरणा लेके अगर समाज में 10 से 15 लोग भी पान तंबाकू मसाला खाना छोड़ देते हैं तो यही आप समाज को सबसे अच्छी सेवा कर सकते हो। जी बिल्कुल सही कहा आपने। दर्शकों, जैसे कि डॉक्टर ने बताया कि कैंसर ओरल कैंसर होने का मुख्य कारण हमारा धूम्रपान करना होता है, और डॉक्टर ने बताया कि आप अगर इस चीजों से ग्रसित हैं तो आप अगर ठीक हो जाते हैं उसके बाद आप अपने साथ 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 के लोगों को भी मना करें कि वो धूम्रपान ना करें, ताकि उनको आगे ये सर्जरी करवाने की जरूरत ही ना पड़े कैंसर की। डॉक्टर, मैं इसी के साथ जानना चाहूंगी कि कैंसर की सर्जरी जब हम करवाने जाते हैं तो उससे पहले एक मरीज को क्या क्या प्रिपरेशन करके चलनी चाहिए? डॉक्टर, हमेशा जब कैंसर की सर्जरी होने लगती है उससे पहले कुछ जांचें होती हैं आपकी, कैंसर की डॉक्टर ने स्टेज करा होगा, स्टेजिंग इन्वेस्टिगेशन हुए होंगे, उसके बाद ऑपरेशन को सह सकने की आपकी फिटनेस को लेके ऑपरेशन ने डॉक्टर ने फिटनेस के टेस्ट करवाए होंगे, उसके बाद आपको फिटनेस मिली होगी, तो इन सारे टेस्ट और सब चीज़ों को लेकर ही आप अस्पताल में भर्ती हों, और जो भी आपको डॉक्टर या जो है आपके इलाज करने वाली टीम है आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उनकी बातों को फॉलो करें, तो इससे आपका जो ठीक होने वाला पीरियड है वो कम से कम होगा और आपको सर्जरी से कम दिक्कत होगी। यदि आसपास के लोगों, रिश्तेदारों, नातों के उनके अलावा बताई हुई कुछ बातें हैं डॉक्टर की बताई हुई बातों से मैच नहीं करती हैं, तो आप उन सभी शंकाओं का निवारण डॉक्टर के संग करें और उनको अपने लेवल पे फॉलो ना करें, इससे नुकसान भी हो सकता है। हाँ, ज्यादातर देखा जाता है कि मरीज जो होते हैं अपने लेवल से मतलब तैयारी, हाँ, कि वो खा लेते हैं आपको उन्होंने डॉक्टर ने तो कहा ये खा लेना, किसी ने आके कह दिया कि नहीं ये नहीं खाना, ये परहेज रहता है, तो आपने वो खाया ही नहीं, तो हाँ। उन सब चीज़ों से नुकसान हो सकता है। यदि आपके मन में ऐसी कोई भी शंका आती है तो अपने डॉक्टर से शंका का निवारण जरूर करें। इसी के साथ डॉक्टर, में आपने जैसे बताया कि इन किन चीज़ों का लोग सोचते हैं कि नहीं परहेज करना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, मैं जानना चाहूँगी कि सर्जरी से पहले ऐसी आपने हेल्थ के बारे में बताया, साथ में जानना चाहूँगी ऐसी कौन सी डाइट होती है कि वो लेके चलनी चाहिए कि ताकि आप फिट रहें आपकी जब सर्जरी हो उस टाइम पर। सर्जरी से पहले आपको जब आप भर्ती होने जा रहे हैं एक दो दिन पहले बहुत ज़्यादा फैटी और ऑयली फूड नहीं खाने चाहिए। कोशिश करें कि हम पिछले 3-4 दिन में बाहर का खाना नहीं खाएं, क्योंकि इस खाने से यदि आपका पेट खराब हो गया या कोई और इन्फेक्शन हो गया तो आपकी सर्जरी टल जाएगी। अपना नॉर्मल खाना खाते रहें घर का, और जैसा आप नॉर्मल आचार व्यवहार करते हैं उसे आपसे करते रहें। सर्जरी से पहले कोई विशेष प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है। नहीं है जी। दर्शकों, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर हेमंत गोयल, जो कि हैं कैंसर सर्जन, जिनसे आज हमने बहुत सारी जानकारियां ली कि आखिर हमको कैंसर अगर होता है तो हमको क्या क्या लक्षण होते हैं, आप उससे कैसे बच सकते हैं। इसी के साथ डॉक्टर, मैं जानना चाहूँगी कि कैंसर का जो मरीज होता है उसके मतलब उसके फैमिली का सपोर्ट भी उस टाइम पर उसका कितना मतलब महत्वपूर्ण रखता है कि उसको कितना ज़्यादा उसको उस टाइम पर सपोर्ट करना चाहिए सर्जरी के टाइम। कैंसर एक खतरनाक बीमारी है, हाँ। ऐसा आमतौर पर माना जाता है, इलाज भी इसका लंबा है। व्यक्ति को जब पहली बार कैंसर के बारे में पता चलता है तो उसका डिप्रेस होना नॉर्मल है। ऐसे समय व्यक्ति का उत्साह बनाए रखना, उसकी हिम्मत बनाए रखना ये परिवार का कर्तव्य है। यदि परिवार खुद ही निराश हो जाएगा तो कैंसर के मरीज को वो कैसे सपोर्ट करेगा या उसका कैसे मनोबल बनाए रखेगा, तो ऐसी स्थिति में परिवार को और ज़्यादा एकजुट होना चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए और कैंसर के मरीज को ये दिलासा देना चाहिए कि ये भी एक बीमारी है और बाकी बीमारियों की तरह इसका भी इलाज संभव है। जी दर्शकों, जैसा कि डॉक्टर ने बताया कि कैंसर कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो लाइलाज है कि जो ठीक ही नहीं हो सकती है। अगर आपके घर में किसी को भी अगर कैंसर होता है तो आप उसका उत्साहवर्धन करें, ना कि उसको मतलब डराएं उसके साथ में, क्योंकि वो मरीज तो खुद ही डरा होता है कैंसर का नाम सुनकर। इसी के साथ आज हमारे फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आज हमने बहुत सारी जानकारियाँ ली। डॉक्टर, चलते चलते मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे। मुंह का कैंसर एक टोटली प्रिवेंटेबल बीमारी है,
आप तंबाकू से बचें, यदि खाते हैं तो तुरंत उसको छोड़ दें। मुंह के अंदर कोई भी पहले बताए हुए लक्षणों में होने से तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और इलाज से घबराएं नहीं। इसका इलाज आसान है और बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। सबसे पहले तंबाकू खाना छोड़ दें, यही मेरी आप सबसे गुजारिश है। जी बिल्कुल, सारे मतलब इलाज की मतलब मेन कारण यही है, अगर हम धूम्रपान करना छोड़ दें तो हम इस बीमारी से बहुत हद तक बच सकते हैं। इसी के साथ आज हमारे फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।